देख सकते हैं यहाँ पे सब तरफ झूला वूला लगा है। अगर आपको आना है तो 26 तारीख से स्टार्ट है, आ जाइएगा। हथौड़ा ताप लग रहा है, छोटा छोटा पार्ट सब यहाँ बन रहा है, वो सब थर्माकोल से बनाया गया है। कितना लग गया है टोटल, कम से कम बता दीजिएगा। 50-60 तो अभी हो गया, 50 के ऊपर चल गया। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस 50 लाख खर्चा हो गया है। हेलो गाइस, दिस इज़ एपीटी एंड वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर एपीटी। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और न्यू ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा, क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत ही जल्द पहुँचने वाला है और 26 तारीख से दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है। तो इस मौके पर मैं आप लोगों को आज रांची में लेकर के जाऊँगा और दिखाऊँगा कि दुर्गा पूजा में जितना भी पंडाल वगैरह है कितना तैयार हो चुका है और कितना जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, मतलब वो इस बार पहले के मुकाबले इस बार का थीम कैसा रहेगा पंडालों का, और खर्च हुआ वो सब आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अभी बकरी बाज़ार, फिर बकरी बाज़ार में देखते हैं वहाँ का अभी कितना पंडाल कंप्लीट हो चुका है और कितना बाकी है, टोटल वहाँ पर खर्च बताएंगे कि उस पंडाल में कितना खर्च अभी तक लग रहा है। तो फिलहाल मैं हूँ अरगोड़ा चौक में, एक पार्क में हूँ, और यहाँ से हम लोग फिलहाल निकलते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं बकरी बाज़ार, और ये है जो बकरी बाज़ार का पंडाल आप देख सकते हैं, ये है बकरी बाज़ार का पंडाल। और गाइज अभी हम लोग फिलहाल पहुँचे हैं, अभी पहुँचे हैं, और बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही है यहाँ पे। इस बार का जो देख सकते हैं बकरी बाज़ार में जो पंडाल बन रहा है वो बंगाल में एक मायापुरी नाम से है एक प्रसिद्ध मंदिर, उसी का जो शेप बन रहा है ये थीम। और आप देख सकते हैं वहाँ पे झूला वगैरह सब लगा है, वहाँ पे देख सकते हैं दूर में, वहाँ पे आप लोगों को एक बार चल के दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ ये जो पंडाल है ये लगभग से 60 लाख रुपये का खर्च आ रहा है इसमें बनने में। यहाँ पर अभी भी कुछ कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है और कारीगर लोग अभी भी काम में लगे हुए हैं पूरे मन से, क्योंकि 26 तारीख से शुरू होने वाला है और ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचा है। गाइस इधर हथौड़ा ताप लग रहा है, अंदर में हर साल झूला वगैरह लगता है। और यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे और बड़े बड़े झूले वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। कहाँ यहीं के रहने वाले हो तुम लोग? नहीं, तो कहाँ गए हो? इसका है किशोरगंज। तो यहाँ पे पीछे से देख सकते हैं पंडाल का पीछे का दृश्य ऐसा है, झूला बोलते हैं ना, झूला में बैठ कर। यहाँ पे झूला अभी यहाँ पे रेडी हो गया है, बस इसको वहाँ पे लगाना बाकी है। अभी बैठने के लिए नहीं बनाया ना यहाँ पे, तो बैठने के लिए हम कहाँ बैठेंगे, छोड़ो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब तरफ झूला वूला लगा है, अगर आपको आना है तो 26 तारीख से स्टार्ट है, आ जाइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा छोटा बच्चों लोग के लिए झूला वगैरह लगा हुआ है। तो अभी तो फिलहाल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा बाकी है। सप्तमी अष्टमी और नौमी और दसवीं है ये जो खास है, इसमें दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगता है। तो आप लोग अगर बच्चे लोगों के साथ फैमिली वगैरह अगर आप आते हैं तो पहले आ सकते हैं 26 तारीख के बाद, उस टाइम भीड़ तो उतना रहेगा नहीं, तो आप उस टाइम आराम से घूम सकते हैं। तो एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे नज़ारा। एक बार अंदर देख लेते हैं कितना कंप्लीट हुआ है और कितना बाकी है बनने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंदर का काम अभी अधूरा है, तो चलिए एक बार अंदर देख करके आते हैं। थर्मल है ना, थर्मल का है ना ये वाला? हाँ ये भी देखना, पे हम सोचे कि लकड़ी है पर ये तो थर्माकोल वाला है ना। जितना भी छोटा छोटा पार्ट सब यहाँ बन रहा है वो सब थर्माकोल से बनाया गया है, यहाँ के कारीगरों से मैंने पता किया और वो लोग बोल रहे कि ये सब थर्माकोल से बनाया गया है। और यहाँ पे नीचे पे यहाँ पे देख सकते हैं ये सब लकड़ी वगैरह है, ये सब लकड़ी छोटा छोटा लकड़ी से बनाया गया है। तो यहाँ का वीडियो हम लोगों का शूट हो चुका है, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं दूसरे पंडाल की ओर। उससे पहले आप लोग यहाँ से देख सकते हैं वो रहा, वहाँ से एंट्री होगा
गेट एंट्री वहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ से आप लोग होते हुए डायरेक्ट यहाँ पंडाल घूम सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल तो मानना पड़ेगा, हमें शर्माई वाला नहीं लगा, शर्माले वाले गिलो। रातू रोड की ओर वहाँ का पंडाल आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ का कितना बड़ा पंडाल बना है। पूजा का पंडाल यहाँ पे देख सकते हैं, बाहर का काम आधा कंप्लीट ही हो चुका है लेकिन अंदर का अभी भी बाकी है, तो आप लोगों को अंदर जा करके दिखाएंगे कि पंडाल कैसा अभी कम्प्लीट हुआ है, कितना बाकी है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रातू रोड के पंडाल में और यहाँ पे पंडाल है दुर्गा पूजा का, यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अंदर का आप लोगों को दिखा देते हैं कितना अभी काम कंप्लीट हुआ है और कितना बाकी है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं रास्ता भी बहुत ही खतरनाक है, चलिए एक बार अंदर से दिखा देते हैं आप लोगों को। पचास लाख रुपया देख सकते हैं यहाँ पर भैया बता रहे हैं, इसको बनाने में करीबन लागत 50 लाख रुपया खर्चा आया है। तो यहाँ पे पंडाल वगैरह अभी अंदर का काम पूरा बाकी है और यहाँ के पे अभी कारीगर लोग लगे हुए हैं जोरों से कि ताकि जल्दी से जल्दी दुर्गा पूजा पहुँचने से पहले ही पूरा काम कंप्लीट हो जाए। काफ़ी ज़्यादा खर्च किए हैं, लगभग से बोल रहे हैं 20 लाख से ऊपर का खर्च आया है। आप लोगों को बाहर से दिखा देते हैं थोड़ा कैसा अभी बाहर का नज़ारा है, उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से रांची रेलवे स्टेशन, वहाँ का आप लोगों को दिखाएँगे पंडाल वहाँ। तो फाइनली गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रांची का रेलवे स्टेशन, पंडाल है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, आप लोग देखेंगे तो आप लोग लगेगा बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर देख सकते हैं इंद्रधनुष कलर का पूरा बनाया गया है, यहाँ पर पंडाल स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी डिजाइन वगैरह काफ़ी मेहनत किया है यहाँ के कारीगरों ने। चलिए आप लोगों को अंदर दिखाते हैं। लगभग 2 साल के बाद दुर्गा पूजा बनाया जा रहा है तो इस बार काफ़ी जोर शोर से बनाया जाएगा और यहाँ पे पहले के मुकाबले इस साल काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है यहाँ पे अलग अलग टाइप से, और यहाँ का स्ट्रक्चर जो है देख करके लग रहा है कि काफ़ी मेहनत किए हैं यहाँ के कारीगरों ने। थीम किसके ऊपर बेस बनाया गया है? थीम है ये मतलब पुराना जमाना का होता है ना, हाँ हाँ वो विचार करने टाइप में, कोई चीज़ का थीम नहीं है। अच्छा अच्छा, पुराना मतलब गुफा टाइप का जो पहले बनाया जाता पहले है जैसे बनाया जाता था। अच्छा अच्छा, उसी टाइप का है ना। अच्छा, और लगभग कब तक बन जाएगा आप लोग का मतलब? 28 तारीख को पूरा फाइनल हो जाएगा। 28 तारीख तक फाइनल हो जाएगा आपका? अच्छा, तो घूमना कब से चालू हो जा रहा है? घूम तो अभी तो चालू हो गया, घूमना पब्लिक आना देखना चालू कर दिया, 25 से ज्यादा हो जाएगा, 26 तारीख से तो इसमें स्टार्ट हो ही जाएगा ना। हां, इसमें खर्च कितना लग गया है टोटल कम से कम बता दीजिएगा? 50-60 तो अभी हो गया, 50 के ऊपर चल गया। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस 50 लाख से ऊपर का मतलब खर्चा हो गया है, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ के मेहनत कितना, यहाँ के कारीगरों ने कितना मेहनत करके बना रहा है अभी धीरे धीरे, अभी और पूरा कंप्लीट होना बाकी है, 28 तारीख तक लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से जितना भी श्रद्धालु लोग हैं वो लोग आएंगे यहाँ पे घूमने के लिए। कलकत्ता का है? कलकत्ता है। अच्छा, कारीगर लोग आदमी आया, फिर सामान कुछ कलकत्ता से लाया। अच्छा अच्छा, खाली इधर से लाया वो पॉल पट्टा उट्टा इधर ही कही है, इधर ही का है अब। अच्छा, बाकी सामान कलकत्ता से ही उधर आ रहा है। नहीं, हर साल की तरह इस बार भी कुछ अलग बन रहा है। अलग बन रहा है, दो साल तो लॉकडाउन के वजह से मतलब हुआ नहीं, वही नहीं। हाँ, लेकिन इस बार तो चलो बहुत ही अलग टाइप का बन रहा है। सभी को यहाँ दिए रांची रेलवे स्टेशन का भव्य मंदिर, तो आई होप गाइज आप सभी लोग इस मंदिर को देख लिए होंगे। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप यू गाइज आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जानते हैं क्या करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है, और वो लाल बटन है सब्सक्राइब बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय।